Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy and MockZone. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for CMAT 2021 exam, because I am going to discuss about 25 days preparation strategy. Yes guys, 25th January से 25th तक का मैंने schedule बनाया है, उसको अगर आपने follow किया तो आपका guaranteed अच्छा score आ जाएगा. बस ये बात है कि आपको follow करना पड़ेगा discipline manner में. मैं आपको अभी ही बता सकता हूँ कि even इस time पे भी जो start करेगा CMAT की तैयारी ढंग से बिल्कुल स्ट्रक्चर में रहने, उसका भी अच्छा स्कोर आ जाएगा. ठीक है, उसका भी साल बच जाएगा यार. ठीक है, बस स्ट्रक्चर स्टडी की बात होती है. ठीक है, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखना एंड मैं बताऊंगा बुक्स कौन सी रेफर करनी है साथ में. अपार्ट फ्रॉम दैट, शेड्यूल बताने के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को क्रैश कोर्स के बारे में. हम लोगों के हमने नया क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, वो कोर्स ही एक तरह से काफी इकोनॉमिकल कर दिया उसको, क्योंकि टाइम कम बचा है. ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे एंड मॉक्स के बारे में बात कर लेंगे, काफी लोगों को आइडिया नहीं है. चलो गाइस, पहले काम की बात करते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. हाँ गाइस, तो ये आपके सामने शेड्यूल दिख रहा है 25 डेज का. ठीक है, तो आप देख सकते हो शेड्यूल 25 जनवरी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका क्वांट्स रीजनिंग एंड डीआई वीआरसी एंड जीके ऐसे करके बनाया हुआ है. ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग 25 जनवरी को, 25 से 27 तीन दिन का लिया है मैंने शेड्यूल, तो आपको पहले अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करना है. तो परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप्स, क्वांट्स है वो करना है. अब ये देखते हैं करना क्या है और करना कहाँ से है. आपने अगर कोई बुक या कोई कोचिंग मटेरियल रेफर कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी लोग एग्जाम दे चुके हैं कोई ना कोई, शायद ही कोई होगा जो सिर्फ सीमेट दे रहा होगा पहली बार, ऐसे हो भी सकते हैं. ठीक है, तो आप क्वांटम कैट की बुक रेफर कर सकते हो या फिर आर एस अग्रवाल भी कर सकते हो अगर आप सिर्फ सीमेट ही कर रहे हो. ठीक है, एंड उस बुक से आप एटलीस्ट 20-25 पहले पूरी थ्योरी पढ़ो. थ्योरी बिल्कुल मत छोड़ना, परसेंटेज या प्रॉफिट कोई भी चैप्टर की थ्योरी पूरी पढ़ना अच्छे से. उसके बाद 20-25 वेरायटी के क्वेश्चन, वेरायटी एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं, वाइड वेरायटी के क्वेश्चन. ठीक है, तो वो आपको करने हैं और जितना डाइवर्स पढ़ सकते हो बोलो, जैसे रेशियो में क्वेश्चन है, कॉम्पोनेंट हो, डिविडेंड हो, ये सब भी आप पढ़ लो. ठीक है, पढ़ लो तो ठीक रहेगा आपके, कोई जरूरी नहीं बट पढ़ सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, और काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, एम पी सी पी, डिस्काउंट वगैरह कंसेप्ट, फॉल्स वेट कंसेप्ट, ये सब पढ़ लो. ठीक है, तो कौन से आपका ये हो गया 20-15 दिन, आपको अच्छे से करना है, बहुत ही सीरियस हो गए. नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज करना है, डायरेक्शन सेंस करना है, रीजन डी आई में, वी आर सी में वो करना है. वी आर सी के लिए हम लोग की यूट्यूब में जाओ, प्लेलिस्ट है वर्बल एबिलिटी प्लेलिस्ट फॉर सारे एग्जाम्स के, नॉन कैट एग्जाम, उसी को फॉलो करो आप. उसमें हमने डाल दिया है 100-100 वर्ड्स के दो पार्ट वन पार्ट टू की वो कैब है, ये पिछले साल डाले थे हमने, ये भी हैं, प्लस 400 वर्ड्स का भी हमने डाला है रिसेंटली परसों, या पहले देख लेना 400 वर्ड्स वाला, 30 मिनट का है पूरा, 400 वर्ड आप रिवाइज हो जाएंगे ए से लेकर जेड तक है. ठीक है, जीके के लिए आपको क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कर लो, पार्लियामेंट, नेशनल पार्क, डैम्स, बैंक एंड हेडक्वार्टर्स ये आप कर लो 25-27 में. ठीक है, देन 28 से 30 में आपको करना है एवरेज मिक्सर एलिगेशन, एस आई सी आई, टी एस डी, डायमंड वर्क, वही अप्रोच है पुरानी ऊपर वाली. रीजन डी आई में क्लॉक्स हैं, कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशन. रीजन डी आई की बुक अगर नहीं है आपके पास तो आप टेस्ट और रीजनिंग की बुक रेफर कर सकते हो, या फिर अगर कोई कोचिंग मटेरियल तो वी आर सी में आप कलेक्टिव नाउंस, इडियम्स, फ्रेसेस. जीके में सी पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बैटल्स, इवेंट्स, रिपीट हो गया सॉरी. ठीक है, नहीं ठीक है, डांसेस एंड स्टेट्स, फेमस पेंटिंग्स. ठीक है, ये सब आप पढ़ लो. गाइस, टेस्ट और सीमैट की अगर जीके के सिलेबस में डिफरेंस देखें तो बस एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि टेस्ट में हिस्ट्री एंड पॉलिटी पे ज्यादा फोकस होता है थोड़ा ज्यादा, जीके में नहीं है. सीमैट में हिस्ट्री में कम फोकस होता है, बेसिक वाला फोकस होता है, बैटल्स वैटल्स वाला बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाते हैं, बट टेस्ट में जाते हैं. ठीक है, 31st को आपको ज्योमेट्री मेजरेशन अच्छे से करनी है गाइस, मैं आपको तीन दिन दे रहा हूँ गाइस, तो बिल्कुल पीछे पड़े हो. ठीक है, सबसे अच्छी बुक मैं बताता हूँ आपको क्वांटम कैट ही है, आप आर एस अग्रवाल मेरे ख्याल से मत करो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है गाइस, लॉकडाउन हुआ है, काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे रट लो. मैं आपको सब सकता हूँ कोई बंदा आराम से 100 में 100 ला सकता है क्वांट में, सीमैट में इतनी ईजी कौन सी आती है सीमेंट की, अब तो और ईजी आ रही है 2 साल से, पहले तो फिर भी ठीक ठीक आती थी. ठीक है, अच्छे से पढ़ लो कोई क्वेश्चन, और टाइम इतना मिलता है गाइस, 3 घंटे मिलते हैं आपको, 3 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, बहुत होते हैं 3 घंटे. ठीक है, आपको स्नैप में कितना घंटा मिला, इंटरनेट में कितना घंटा मिला, तभी वेवर अच्छा है. सेलोजिज्म करो अच्छे से, वर्बल रीजनिंग करो, वर्बल रीजनिंग में क्या क्या करोगे आप, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, ये सब अच्छे से करो, 100-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. वर्बल रीजनिंग के टोटल 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक में दिए सब करो प्रैक्टिस. काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ ग्रुप में टाइम बहुत बर्बाद कर रहे हैं, ये वो पूछ रहे हैं, ये मत करो गाइस, अच्छे से कर लो, तो आपको जो आप जो लोग परेशान है कि उनको कॉलेज नहीं मिला, कम से कम इस साल बच जाएगा आपका, के जे समैया, जिम, ये सबको मिल जाएंगे, इवन जे बी आई एम एस भी पूरा पॉसिबल है, जीके मेन होती है, बट स्टिल अगर आपको साल बचाना है तो आप जा सकते हो. ऑडो नोट आर्टिकल्स, जीके में आपको रिवर्स एंड सिटीज, एयरपोर्ट्स, फेमस मोन्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट का भी, ब्रांड ब्रांड्स एंड कंपनीज, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे कि मान लो फॉर्चुनर कौन सी कंपनी की, कौन सी ब्रांड की गाड़ी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में हमेशा देख रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स को देख लो. ठीक है, ये सब आता है. सेकंड से फोर्थ में आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स करनी है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करना, इस क्वेश्चन आ जाते हैं, लास्ट ईयर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था एक. ठीक है,
कोडिंग डिकोडिंग बेसिक स्टैटिक्स एंड एनोमेटिक का वीडियो बना हुआ है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। रैंकिंग लीनियर अरेंजमेंट ये सब करना है आपको। VRC में पैर जम्बल्स एंड लॉजीज SVA। GK में आपको हेडक्वार्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की भी बाहर की भी दोनों की, जैसे नाबार्ड कहाँ है, WHO कहाँ है, ऐसे करेंसी एंड कैपिटल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज करने हैं। फिफ्थ एंड सेवन्थ सब को करना है, APG भी अच्छे से करना है, लॉगरिथम्स करना है, लीनियर इक्वेशंस करना है, सर्कुलर अरेंजमेंट, डीन मिसिंग नंबर फिगर सिलेक्शन या वो करना है, फॉरन वर्ड्स वीडियो में ही है, फिगर ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सब वीडियो में है, ठीक है। GK में आपको जनरल साइंस अच्छे से करना है, बेसिक कोई PDF देख लो आप, फिजिक्स की केमिस्ट्री वाइज तीनों का, ठीक है। कोरोना वायरस इसका भी GK भी वीडियो बन भी रहे हैं, बनेंगे और भी, कोरोना वायरस रिलेटेड CA। एट्थ से टेंथ की भी इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस फंक्शंस, ठीक है। एनालॉजी, विजुअल रीजनिंग, मिरर इमेजेस, होमोनिम्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मर्जर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स ऑनर्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। 11th से कंप्लीट नंबर 3। नंबर 3 बड़ा है, नंबर 3 में आपको काफ़ी कुछ आता है, फैक्टोरियल, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, LCM, HCF, LCM ऑफ फ्रैक्शंस, LCM ऑफ फ्रैक्शंस, LCM मॉडल होते हैं 3 तरह के, HCF मॉडल होते हैं 3 तरह के। तो आपको 3 दिन दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो शेड्यूल, ठीक है। ये दिन मैंने टाइम क्यों दिया है कि आप यहाँ पे मॉक भी लगा रहे हो ना, मॉक लगा रहे हो, टॉपिक टेस्ट लगा रहे हो, सभी लगा रहे हो, तो उसको फैक्टर लेके लिया मैंने, तब भी काफ़ी काम है। ये मान रहा हूँ कि आप इस टाइम पे 8 से 10 घंटा पढ़ रहे होगे, ठीक है। गाइस सीरियसली लोग ये मत सोचो कि JBM नहीं मिल सकता, मैंने बताया कई बार, बताया तो फिर से एक बार और, एक बंदे का कैट में 66% था, एक महीने ढंग से पलटी 100 आ गया, सीमेंट में चला गया JBM, ऐसे केस होते हैं। तो सीमेंट से किसी और एग्जाम को रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। सेट थ्योरी, लॉजिकल वेंडाग्राम्स, सिनोनिम्स, कंप्लीट रिवीजन, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल के करंट अफेयर्स करो। 1460 में आप मॉडुलस, फंक्शंस, ग्राफ्स एंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस कर लो, DI बेसिक कर लो, DI एंगल जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बढ़ा रहा हूँ। यहाँ आपको रिविजन करना है, फिर से रिविजन कर लो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स IDMs का। मई, जून, जुलाई, अगस्त 1719 से आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनइक्वालिटीज, मैक्सिमम मिनिमम, DI इन बाई चार्ट्स, केसलेट्स, कलेक्टेड नॉर्म्स, वर्ल्ड वाइड सब्स्टिट्यूशन कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का रिव्यू कर लो। फिर 20 को आपको कंप्लीट फॉर्मुलेस करने हैं रिवीजन क्वांट्स के, यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट एवी के रिवीजन करना है, ग्रामर रिव्यू करना है, एंड बेसिक डिसंबर जैन फेब। गैस मॉक्स की अगर बात करें तो कम से कम 10 मॉक देना आप, 10 से अगर 15 मॉक दो तो अच्छा है, मैं तो बोलूँगा आपसे, मैं तो बोलूँगा कम से कम 20 मॉक देना चाहिए आपको, और 20 मॉक दो दो अलग अलग कोचिंग्स के, एक ही 20 मॉक थोड़े अजीब हो जाते हैं, दो कोचिंग्स के मॉक ले तो बेटर है, अच्छे से PhD करके जाओ, बट 10 मॉक तो मिनिमम दो ही दो, स्पीड बेस्ड उतना नहीं है बट स्टिल 10 मॉक देना चाहिए कम से कम, ठीक है। मॉक से आइडिया लगता है, और मैंने जैसे बताया था कि स्नैप वगैरह में काफ़ी ज़्यादा नाटक हुआ कट ऑफ में, तो 250 से नीचे तो सोचो मत मॉक्स में, आप 250 रखो, जो मैं मानता हूँ कि मॉक्स का जो फ्लेवर होता है वो कम से कम 40-50 नंबर ऊपर होता है, मतलब अगर आपको यहाँ पर 250 आ रहा है तो आपको एग्जाम में 300 आएगा, 280 तो आएगा ही आएगा। हम लोग के मॉक्स से करें तो कम से कम आपको हम लोगों ने कट ऑफ रखा है 245+, सारे मॉक्स में ऑलमोस्ट 245+ कट ऑफ है हम लोगों का 99% का, एंड JBMS कट ऑफ रखा हम लोगों ने 285+, ठीक है। तो गाइज ये शेड्यूल था, तो अच्छे से करो गाइज इसको, इसका कर, इसका 80% भी फॉलो कर लिए तो आराम से हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा हो, रिविजन वाली बात है। बाकी दोस्तों लुकिंग फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑफ CMAT, तो गाइज हम लोगों ने ये कोर्स 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, ठीक है, काफ़ी इकोनॉमिकल कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे 4 फैकल्टीज हैं, लाइव क्लासेस हैं फॉर क्वांट्स, LRDI, VRCGK, आपको पोर्टल मिलता है वेबसाइट में, उसमें सारे हैंड आउट्स होते हैं, बीट, क्वांट्स, LRDI, DS, VRCGK, सबके प्रॉपर थ्योरी हैंड आउट्स, प्रॉपर वीडियोस, प्रॉपर प्रैक्टिस शीट्स, असाइनमेंट मिलता है आपको। बस ये है कि 1 जनवरी को क्लास स्टार्ट हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं, आज 25th है, 27th को एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हम सारे नोट्स शेयर कर देंगे 3 चैप्टर के, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड तुम्हारा एक हाँ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो प्रोपोर्शन इसके, ठीक है। तो सब कुछ मिस नहीं होने वाला, क्लासेस बहुत ही फ्लेक्सिबल मैनर में चलती हैं गाइस, और कम से कम 150 बच्चे एनरोल्ड हैं जुलाई से लेकर अब तक नॉन कैट के, ठीक है। तो जिन लोगों को इंक्वायरी करनी है मुझे व्हाट्सएप कर दो आप, ठीक है, नंबर मेरा 8604734785 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स दे दूंगा विद स्टूडेंट रिव्यूज़, आपको आइडिया लग जाएगा उससे, ठीक है। यही सेम कोर्स 3500 का था विदाउट मॉक्स अक्टूबर में, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैंने कम कर दिया रेट काफ़ी, ठीक है। दोस्त आर लुकिंग ओनली फॉर मॉक्स, खाली मॉक ही दे रहे हो, इसमें आपके 10 फुल लेंथ मॉक्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये रखना। 10 मॉक्स ही 799 के हैं, ये देखो आप, सिर्फ 10 मॉक्स ही कॉस्ट 799 है, तो आपको कितने का बड़ा कोर्स, कितने का बड़ा कोर्स आपको देख लो आप, ठीक है, 1200 का कोर्स पड़ा आपको खाली। या आपको सिर्फ मॉक्स लेने हैं तो लाइट पैक 10 फुल लेंथ सीमेंट मॉक्स है, बाकी परसेंटाइल रैंकिंग, डिटेल सॉल्यूशन, रीच क्वेश्चन सब कुछ है, 799 का है। एसेंशियल पैक हमने लिया है, जिसने मॉक्स लिए हैं, एसेंशियल में आपको 150+ टॉपिक टेस्ट मिलते हैं गाइस, ये एडिशनल चीज़ है, इससे आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। ये 1199 का है खाली, तो डिफरेंस कम है काफ़ी, ठीक है। तो दोस्त लुकिंग ओनली फॉर मॉक्स, दे कैन गो फॉर एसेंशियल पैक, ठीक है।
चलो गाइस, सो दिस वाज अबाउट द वीडियो। बाकी रिव्यूज दे सकते हो आप, ठीक है? सारे एग्जाम्स के रिव्यूज हैं, बहुत सारे रिव्यूज अपने पास हैं, सब डाल नहीं पाएंगे। अगर आपको और रिव्यूज चाहिए तो मुझे पिंग कर लेना। 25-30 रिव्यूज मेरे मोबाइल में पड़े हैं, बाकी वेबसाइट्स में पड़े हैं, ठीक है? क्योंकि गाइस क्वालिटी अच्छी है तो रिव्यू अच्छे आएंगे ही आएंगे, ठीक है? चलो गाइस, सो दिस वाज अबाउट द वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, नीचे लिंक्स दिए हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप्स के, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। सीमेट वगैरह का, सीईटी का, एसआरसीसी, जो भी आपको करना हो उससे कर लो, ठीक है? चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।